वही विधानसभा और लोकसभा में हार के बाद कांग्रेस अपनी कार्यशैली की समीक्षा कर रही है और आने वाले समय में कांग्रेस को वापसी कैसे करे इस पर मंथन किया जा रहा है। आज राजनांदगांव में युवा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि संगठन का कैसे विस्तार करना है, इसकी चर्चा के लिए मैं राजनांदगांव पहुंचा था। यूथ कांग्रेस आने वाले समय में जितनी भी निष्क्रिय कार्यकर्ता हटाएगी और जो अच्छे कार्यकर्ता हैं उनको सामने लाएगी और अच्छे कार्यकर्ताओं को मौका दिया जाएगा। आने वाली 24 जुलाई को विधानसभा का घेराव में राजनांदगांव यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका रहेगी। वही 24 तारीख की घेराव के संबंध में भी चर्चा करने के लिए राजनांदगांव कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचा था। आज जो है राजनांदगांव यूथ कांग्रेस और ग्रामीण यूथ कांग्रेस के प्रमुख पदाधिकारियों की एक छोटी चर्चा थी। इसमें आने वाले समय में कांग्रेस यूथ कांग्रेस को कैसी संगठन का विस्तार करना है, क्या हमारी भूमिका रहने वाली है। छोटी से प्रमुख पदाधिकारी समझो हमारे जिला अध्यक्ष हैं और प्रदेश के प्रभारी हमारे जिला प्रभारी हैं, उनके चर्चा हुई है। और 24 तारीख कांग्रेस पार्टी जो विधानसभा घेराव करने वाली है उसमें यूथ कांग्रेस की क्या भागीदारी रहेगी, ये दोनों प्रमुख मुद्दे थे जिसमें हमने चर्चा की है। और आने वाले दिनों में यूथ कांग्रेस में नए लोगों को अवसर दिया जाएगा, नई नियुक्तियां की जाएगी, नए लोगों प्रदेश स्तर में, जिला स्तर में, विधानसभा स्तर में, ब्लॉक स्तर में नए लोग हो जाएगा और सक्रिय लोगों को अवसर दिया जाएगा, निष्क्रिय लोगों को हटाया जाएगा।